Good morning student, welcome back to second class max. So take out your term 2 and open it, page number 51. Now today we are discussed about multiplication a 2 digit number by a 1 digit number. 2 digit number से हम 1 digit number से कैसा calculate करेंगे बल्कि देखना है, without carry over, हम आपको carry लेने का नहीं है, okay. फर्स्ट वन एग्जाम्पल मल्टीप्लाई 12 by 4. सो हियर 12 इज़ ए टू डिजिट नंबर. सो राइट हियर 1 and 2. 2 इज टेक्स प्लेस वंस प्लेस एंड वंस टेक्स प्लेस टेंस प्लेस. नाउ बाई 4, दिस इज ए 4 by 4 हियर राइट इन द वंस प्लेस एंड दिस इज ए मल्टीप्लीकेशन साइन. सो हियर दिस इज ए फर्स्ट स्टेप. Arrange the number in columns. First, arrange the numbers in column. Now, second place, 2. 2 takes place 1 place and 4 takes place 1 place. So, first you take 4 to multiply it by 2. Yes, read the 4 table. 4 ones are 4, 4 twos are 8. So, here we write 8. This is the second step. Multiply the digit in the ones place by 4. 2 into 4 is equal to 8. Write 8 in the ones column. Here we write. Now third step. Here is overs. First you do the multiplication once. And second you do the multiplication tens. So 4 first you. अपन क्या करें, पहले अपन 2 से करें, अब क्या करेंगे 1 से करेंगे. सो 4 वंस आर 4. हियर आवर आंसर इज 12 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 48 आवर आंसर. सो थर्ड स्टेप मल्टीप्लाई द डिजिट इन द टेंस प्लेस बाय 4. 4 इंटू 4 जा 4 इज इक्वल टू 4. राइट 4 इन द टेंस कॉलम. सो 12 into 4 is equal to 48. So shall we start our exercise number 5. Here 23 multiplied by 3. 3 के टेबल से अपन को 23 का कितना आता देखने का है अपन को. So read the 3 table. 3 ones are 3, 3 twos are 6 and 3 threes are 9. So here we write 9. Now next we multiplied by the tens number. 3 ones are 3, 3 twos are 6. So our answer is 69. Here, second one, 27. 7 takes place once and 2 take place tens place and 1 once take place ones place. So what 7 multiplied by 1. सो 1 multiplied by 7 इज इक्वल आता आंसर. 7 multiplied 1 करें तो भी एक ही आंसर आता. तो अपन को 1 से 7 को मल्टीप्लाई करना है. 7 1 7 ज़ा 7 1 7 ज़ा 7 1 2 ज़ा 2. सो अवर आंसर इज 27. थर्ड वन इन मल्टीप्लीकेशन 0 टेक्स प्लेस 0. 0 अगर मल्टीप्लीकेशन में 0 की वैल्यू क्या रहती, 0 ही रहती. उसके अंदर कौन से नंबर से पे अपन मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर 0 ही जाएगा. 4 ज़ा 0 4 ज़ा 0 0 4 ज़ा 0 आता 0 4 4 ज़ा भी 0 आता. अपन को 0 से मल्टीप्लाई करना है. 0 4 ज़ा 0 0 1 ज़ा 0 0 1 ज़ा 0. तो हमारा आंसर इज 0. अगर एडिशन में या मल्टीप्लीकेशन में रहा है अपन को तो 4 का 4 ही डाल देते हैं अपन. 4 5 क्या है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल एडिशन का समझो सम अपन, तो 4 प्लस 0 तो 4 ही जाता है अपन. मल्टीप्लीकेशन में है बल्कि इसको क्या करना है अपन को, 0 ही डालना है. नाउ फोर्थ वन यू टेक 6 टेबल. तो 6 ज़ा 0 6 1 ज़ा 6. ओके नाउ फिफ्थ वन 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3. आवर आंसर इज 39. ओके नाउ सिक्स्थ वन 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6. ओके स्टूडेंट आपको समझ में आना, वन डिजिट नंबर से
टू डिजिट नंबर वालों को किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। प्लीज़ आप लोग टेबल्स लर्न करें तो आप लोग इजीली ये सम्स कर सकते। आप में से पहले मैं आप लोग को सेंड करी, 5 तक के टेबल्स आप लोग को सेंड करी, वो प्लीज़ याद करो आप लोग। ओके, हो सका तो 1 by 1, 6, 7 भी याद कर ले सकते, टेबल बुक्स लेके उसमें से याद कर ले सकते आप लोग। ओके स्टूडेंट, और यू डू इन योर होमवर्क 7th, 8th and 9 एंड सेंड इट ऑन योर ऑन आवर व्हाट्सअप, मेरे व्हाट्सअप पर आप लोग सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू।